हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुरेशी पकवान। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन कस्टर्ड ट्रफल। इसे बनाना काफ़ी ही आसान है और ये बेहद आप लोगों को पसंद आने वाली डिश है। जो भी गुलाब जामुन लवर है और जिसको नहीं भी पसंद है ना, तो भी उनको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करें और इफ्तार के टाइम पर स्पेशली आप इसे बनाएँ। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये इतना डिलीशियस बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको पसंद आया है या नहीं। इसे बनाने के लिए हमने लिए है ब्रेड, गुलाब जामुन लिए हैं, इसकी शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएगी। हमने घर पर ही गुलाब जामुन प्रिपेयर किए थे। 3 चम्मच के करीब मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं बट वनीला ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने 4 चम्मच के करीब शुगर लिया है, आप इसका टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ पिस्ता लिया है मैंने और उसको बारीक कट कर लिया है। सबसे पहले पैन लेंगे, उसमें हम दूध डाल देंगे और उसको बॉयल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर के करीब दूध लिया है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से। अब इसको हम बॉईल होने देंगे और बीच में थोड़ा चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो मिल्क था वो ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका था, मैं थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर रही हूँ हल्का सा। बीच बीच में आपको चलाना है ताकि दूध जो है जले ना। यहाँ पर हम उसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद में हमें मिल्क को फिर थोड़ा बॉईल करना है ताकि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए अच्छे से, और आपको चलाते जाना है। आप इसको स्लो फ्लेम पे चलाते रहिए और फ्लेम स्लो ही रहेगा। यहाँ पर मैंने जो कस्टर्ड लिया था उसको थोड़ा सा पानी में डाल के उसको ऐसे पेस्ट बना लिया था, अब उसको धीरे धीरे ऐड करना है और कंटिन्यू आपको चलाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते जाना है। 5 से 6 मिनट तक आपको कंटिन्यू स्लो फ्लेम पे चलाना है ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो दूर हो जाए और एक थिक पेस्ट हमें मिल जाए कस्टर्ड का। देखिए इस तरीके से कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक और चलाएंगे और इस तरीके से आपको चलाना है ताकि जो है पपड़ी या लम्स ना पड़े। देखिए बहुत ही अच्छा बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे। ये देखिए ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। जो हमने ब्रेड लिए उसके लिए थे उसको साइड से कट कर लेंगे और जो बीच का पार्ट है हमें वो चाहिए। सारे ही स्लाइस को मैं कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 4 से 5 स्लाइस लिए थे ब्रेड के और उसको इस तरीके से कट कर लिया। आप चाहे तो पूरा स्लाइस भी ऐसे रख सकते हैं, आपके बर्तन के अकॉर्डिंग रखिए जिस डिश में आप रख रहे हो। अब सारे ही स्लाइस को हम प्लेट में रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिश या फिर जिसमें भी आप रख रहे हो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिए ब्रेड को। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ, थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि ब्रेड जो है थोड़ी सॉफ्ट लगे। अब यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड प्रिपेयर किए थे वो ऐड कर देंगे, अच्छे से पोर करें ताकि कस्टर्ड पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग गुलाब जामुन लवर है या नहीं, ठीक है, याद से बताना। अभी हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, थोड़ा फ्लैट कर देना है आपको ताकि लुक वाइज भी प्रेजेंटेबल लगे। आपके घर पे इफ्तार पार्टी हो रही है और कोई गेस्ट आने वाला है तो आप उस टाइम पे भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सीरियसली लोग जो भी खाएंगे तारीफ़ करके जाएंगे, तो इसे ज़रूर बनाइए। इसे बनाना भी बहुत आसान है, 20 मिनट्स में बन भी गया था ये। अब ऊपर से हमने गुलाब जामुन को कट करके इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। अब ऊपर से हम पिस्ते की गार्निशिंग करेंगे।
आप पिस्ता ले सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट्स है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। पिस्ता लेना मैंडेटरी नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो फैमिली के साथ में भी शेयर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।